अर्चनी वन्नी सन समाज धर्म प्रेमी सज्जनों श्रद्धा मूर्ति माताओं प्यारे बच्चों साहिब जी की उदारता है जो कि अपना समय मेरे लिए दिए हैं। साहिब जी का आदेश हुआ है आज्ञा पालनार्थ आप लोगों के बीच कुछ निवेदन करूं। उससे पहले मैं निवेदन करूं त्रिदिशी सत्संग समारोह का आज अंतिम दिन और अंतिम दिन का अंतिम सत्र लगभग 3 बजने जा रहा है। 3 घंटा बाद यह जगह सुना मिलेगा आपको। 5 बजे कार्यक्रम समाप्त होगा। 5 बजे से 5:30 बजे तक यहाँ से सब लोग चले जाएंगे। 6 बजे आप देखना चाहेंगे कि फिर से ऐसा माहौल हो, फिर से सत्संग हो, फिर से हम लोगों के जैन सलाब में फिर से इकट्ठा हो, कुछ वार्ताएं सुने, कुछ ज्ञान चर्चा सुने, तो यह अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए समस्त ग्रामवासियों को सादर अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। आप सब आए और अपना स्थान ग्रहण करें। सबसे प्रथम दिन मैंने एक सदगुरु कबीर के साखी पर कहा था, सोना सज्जन साधु जन जो रिटूटे सौ बार, कुंजन कुंभ कुमार का एक धक्का फरार। दूसरा दिन मैंने कुछ व्यवहार पक्ष में कहने का प्रयास किया था, जीवन सुंदर कैसे बनता है और बुढ़ापा सार्थक कैसे हो। उसी दौरान मैंने कहा था कि पूजा और पाठ के बल पर जीवन को नहीं बदला जा सकता है। आज हमारे भारतीय परंपरा में पूजा और पाठ के बल पर जीवन को बदलना चाहते हैं, लेकिन आज का पूजा और पाठ कर्मकांड हो गया है, कड़वे शब्दों में कहूं तो। लेकिन कोई हृदय से करता है, कोई पूरा जुनून सवार हो जाता है उनके अंदर अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, नए ढंग से जीने के लिए। नए ढंग से क्या हो सकता है, नया क्या हो सकता है? नया सिर्फ वह हो सकता है जो आज तक नहीं हुआ है। आज तक हम राग में, द्वेष में, तेरे में, मेरे में, लड़ाई में, चिंता में, वैनश्य में जीवन को काटे हैं, जीवन को तबाह किए हैं। लोभ में, मोह में, काम में, क्रोध में, इसी में जीवन को बिताए हैं। ये सब तो पुराना हो गया, नया क्या हो सकता है? अब हमारे लिए नया हो सकता है दया, क्षमा, संतोष, नए ढंग से जीने का प्रयास। आज तक मैं क्रोध करते आया, अब क्रोध नहीं करूंगा मैं। आज तक मैं लोभ की प्रवृत्ति से जीते आया, आज तक मैं जिन विचारों को नहीं सुनना चाहिए उन विचारों को अपने जीवन में स्थान दिया, अब मैं ये काम नहीं करूंगा। नए ढंग से जीने का प्रयास। सत्संग यही सिखलाता है। सत्संग का मतलब ही होता है जीवन परिवर्तन केंद्र। आप जीवन में यदि परिवर्तन करना चाहते हैं तो सिर्फ सत्संग से बदला जा सकता है। सत्संग किसे कहते हैं? जीवन परिवर्तन केंद्र। तो फिर सत्संग और क्या है? ये क्या है? ये सत्संग है। लेकिन सत्संग इसे ही नहीं कहा जाता है जहां 10-20 लोग बैठे हो, 50, 100, 1000, 2000 बैठे हो, जहां ज्ञान चर्चा चल रही हो, वो ही सत्संग नहीं है। हम घर में भी बैठे हैं, घर में बैठे हैं पति और पत्नी, अच्छी अच्छी वार्ताएं चल रही है, जीवन में नए जीवन शैली की चर्चा चल रही है, जीवन को कैसे सजाना है, जीवन को कैसे संवारना है, कैसे लोगों को सम्मान करना है, कैसे प्रेम से बोलना है, कैसे बच्चों को संस्कार देना है, कैसे माता पिता को माता पिता को सम्मान देना है, कैसे अतिथि को सम्मान देना है। यदि ये चर्चा घर में चल रही है और मात्र पति और पत्नी है, तब भी सत्संग ही है। भाई और भाई है वैसे चर्चा चल रहा है, तब भी सत्संग है। देवान और जेठान है वैसे ज्ञान चर्चा चल रहा है, तो वो भी सत्संग है। लेकिन हजारों की भीड़ बैठा हो
और जहां आदमी के मन के तपन को बुझाने का प्रयास न करके आदमी के अंदर एक नए चिंगारी पैदा कर देना, क्रोध का, द्वेष का, राग का, चिंता का, वैमनस्य का अंदर एक नए चिंगारी पैदा कर देना, जिससे आदमी जल करके खाक हो जाए, जिससे आदमी के अंदर एक क्रोध का ज्वाला भटक उठे, जिससे अपने अंदर ही आदमी कुड़ कुड़ करके मरता रह जाए, फिर उसे सत्संग नहीं कहा जाएगा, उसे सत्संग नहीं कहा जाएगा। आज हरि कथा बार बार चल रही है, गांव गांव में हरि कथा हो रहा है, गांव गांव में भगवान की पूजा हो रहा है, और आज समस्या ऐसी हो गई है कि सारे समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। कैसे समाधान हो रहा है? एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल। बड़े बड़े व्यास गद्दी में बैठ करके बड़े बड़े प्रवक्ता लोग कह रहे हैं एक लोटा जल से सारे समस्याओं का हल है, बेल के पत्ते से समस्याओं का हल है, आम के पत्ते, पीपल के पत्ते से समस्याओं का हल है, तुलसी के पेड़ से समस्याओं का हल है। आत्मीय बंधुओं, इससे समस्या का हल नहीं हो सकता है। इससे कुछ सुविधाएं मिल सकती है, इससे कुछ नए चीज मिल सकता है, लेकिन सारी समस्याओं का हल नहीं है। तुलसी के पेड़ लगाने से आपका घर का वातावरण अच्छा हो सकता है। तुलसी कई प्रकार के दवाइयों में काम आता है। आप कहीं पर जल डालते हैं, एक लोटा जल डालते हैं, वो आपका नियम बताता है। आप रोज नहीं डालते थे, लेकिन आपको एक प्रेरणा मिलता है, उसमें भी गलत नहीं है, लेकिन ये कह देना गलत हो जाता है कि सारे समस्याओं का हल है एक लोटा जल में, एकदम गलत बात है। ये तो एक नियम बनाया जाता है जीवन को संचालित करने के लिए। लोग रोज सुबह 7 बजे 8 बजे उठते थे, उनको नियम दिया गया तुमको सुबह 6 बजे स्नान करना है, और 6 बजे स्नान करके रोज एक मंदिर में जाकर के एक मूर्ति में एक लोटा जल डालना है। उसका रूटीन बन गया, मुझे रोज जल डालना है, भगवान को अर्पित करना है, बुरा नहीं है, लेकिन ये कह देना कि इससे समाधान हो जाएगा, नहीं होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं ये चीज क्योंकि कल मैंने कहा था पूजा और पाठ के बल पर समाधान नहीं हो सकता, लेकिन कोई सच्चे दिल से पूजा पाठ करे तो उनका नैया पार भी हो सकता है, दोनों बात है। सिर्फ मूर्ति पूजा से जीवन नहीं बदलता है, मूर्ति पूजा जीवन में आना चाहिए। और आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, भगवान सिर्फ एक मंदिर में नहीं बैठा होना चाहिए, भगवान आपके घर घर में, आपके हर जगह पर दिखना चाहिए भगवान आपको। आदमी की प्रवृत्ति बन गई है, एक मूर्ति स्थापित कर लेता है, सिर्फ उसे भगवान मानता है, और उनकी श्रद्धा है, अच्छी बात है, लेकिन हकीकत तो कहा जाए उसको स्थापना करने वाले से बढ़कर के भगवान कोई हो ही नहीं सकता। मैं उसी की पूजा और पाठ करने की बात कहूंगा। मैं अभी पूजा और पाठ होती है, उसकी पूजा पाठ होती है जो बोलता नहीं, जो चलता नहीं, जो खाता नहीं, न पीता नहीं, जो हमारे बुरे कर्मों में न साथ देता है, न अच्छे कर्मों में साथ देता है, न हमारी विपत्ति में साथ देता है, न हमारे सार्थक जगह में अनुकूलता में साथ देता है, न प्रतिकूलता में साथ देता है। वो तो हमारी मन की साधना है, वो हमारी मन की श्रद्धा है। गलत है, गलत नहीं है, लेकिन पूर्ण सार्थकता नहीं है। आप किसी मूर्ति की पूजा करते हैं, किसी भगवान की पूजा करते हैं, उसके हिसाब से जीवन में भी तो आना चाहिए, जीवन में भी बदलाव होना चाहिए। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तब अंगना सजाएंगे कि अंगना सजाओगे तब राम आएंगे। गाने वाले ने उल्टा गाया है, मैं इसको कई बार सुना, सबके रिंगटोन में है, राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, एक लड़की गाई है, अंगना सजाओ तो राम आएंगे, उल्टा गाए उन्होंने। और आपके घर में राम बैठे हैं, आप अपने बच्चे से इतना प्यार करिए, इतना प्यार करिए कि आपके बच्चे आपके बिना न रह सके। यदि कोई माँ बाप संस्कारी होते हैं, मैं संस्कार के विषय में अधिकतम कहा करता हूं, और करीब करीब संस्कार के विषय में मेरा YouTube में लगभग 100 प्रवचन होगा, सब जगह संस्कार पर ज्यादा बोलता हूं मैं। और कोई सुनना चाहेंगे तो मेरे नाम से सर्च करेंगे, कहीं पर भी Google Chrome में, YouTube में, कहीं पर भी अनिल साहब सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको।
संस्कार की बात आती है तो मैं कहा करता हूं ज्यादा महत्वपूर्ण है मां बाप को संस्कारवान होने की, मां बाप को संस्कारवान होने की। आज हर घर पूजा और पाठ चल रहा है और हर घर में विखंडित होता चला जा रहा है। आइए मैं श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की चर्चा करूं। आप उनके भक्त हैं, आप उनके अनुयायी हैं, आपके पास कौन सा इसका लोगो है आपके पास? यदि आप श्री राम भक्त होते आज, यदि आप श्री भगवान राम को मानते तो आप अपने भाई के साथ में नहीं लड़ते। प्रथम, यदि आप श्री राम भगवान को मानते तो आप श्री राम भगवान को मानने के बाद में आप संत प्रेमी होते। श्री राम भगवान संत प्रेमी थे। आपके पास में कितना प्रेम है संत के प्रति, अतिथि के प्रति? वो समाज के लिए जीते थे, समाज के लिए जीते थे और अपने निजी जीवन को माँ बाप के कहने पर, सबसे मुख्य पॉइंट है अपने माँ बाप का आज्ञाकारी पुत्र। कितने लोग हैं माँ बाप के आज्ञाकारी पुत्र? आप अपने आप में प्रश्न करिए, कितने लोग हैं जो माँ बाप के आज्ञाकारी पुत्र है? और आज हमारे भारत देश में एक ऐसा देश है जहां हर जगह भगवान की पूजा हो रही है और सबसे ज्यादा माँ बाप को तिरस्कृत किया जा रहा है। इसी भारत देश में, हमारे भारत देश में अनाथालय बढ़ते चले जा रहे हैं और अनाथालय नहीं बढ़ते चले जा रहे हैं तो घर में माँ बाप है, घर में माँ बाप एक किनारे में बैठे हैं, ठंडी से ठिठुर रहे हैं, भोजन के लिए सही भोजन के लिए तरस जा रहे हैं माँ बाप। इस पर मैं बहुत कहता हूँ क्योंकि आज की विपत्ति इतनी समस्याएं खड़ा हो गई है, इतनी समस्या खड़ी हो गई है, नए नए समस्या पैदा होता चला जा रहा है। हम दो हमारे दो माँ बाप को किनारे कर दो, यही चल रहा है। हम दो हमारे दो, हम माँ बाप को किनारे कर दो। एक जगह माता पिता और उनके बच्चे आपस में साथ में रहते थे, हकीकत घटना है। एक जगह बच्चे माता पिता और उनके माता पिता यानी तीन पीढ़ी साथ में है। कोई जगह पार्टी में जाना था माता उनके बच्चे को, तो अपने माँ बाप से उनके बच्चे कहते हैं, मम्मी पापा से, मम्मी पापा से कहते हैं कि हम लोग एक जगह पार्टी में जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ। मम्मी पापा जब आप लोगों को जब भूख लगे और भोजन का टाइम हो जाए तो बगल में मंदिर है वहां चले जाना, क्योंकि हम लोगों को आने में लगभग 10 से 11 बजे